जनता की आवाज कार्यक्रम में आपका स्वागत। और इस वक्त में हमारे साथ दिग्गज नेता ओम प्रकाश बाशी जी, इन्होंने जो है वो सरपंच की इलेक्शन भी कंटेस्ट की है, बीडीसी की भी की है, और माफ कीजिए डीडीसी की भी की है, और एमएलए की भी की है। और ये नेता जो है वो स्टेट लेवल के हैं, यूटी लेवल के हैं, जगह जगह पर जो है वो संघर्ष करते हैं, आप लोग भी जानते हैं। और ये नेता जो है वो बड़ी खुशी की बात है, डिस्ट्रिक्ट रियासी के रहने वाले हैं और सुदीन में ये रहते हैं। आइए इनके साथ बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका, कीमती टाइम देने के लिए। रामलाल जी शुक्रिया। सर आज हमें ये बताएं कि आज पूर्ण की स्थिति जो है वो कैसी है, आप नेता जो है वो यूटी लेवल के नेता हैं और पौनिक में आपका क्या योगदान रहता है। आप भी जानते हैं कि पौनी में एक ही मुद्दा इस वक्त गमराया हुआ है, हॉस्पिटल का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो बना दिया गया है। कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को निराशा है, ये अपग्रेड होना चाहिए था, जबकि प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गई है, किस तरह से देखते हैं। राम जी शुक्रिया, आप और आपके साथियों का जो हमारे बीच में बैठे हैं। मैं ओम प्रकाश, स्टेट सेक्रेटरी मेंबर CPM, स्टेट कमेटी मेंबर CPM, स्टेट वर्किंग प्रेजिडेंट CIT, जो यहाँ तक मेरे संगठन का सवाल है, मेरी शुरुआत का सवाल है। जैसा आपने कहा कि मेरी जन्मभूमि पौनी में और ख़ासकर गांव सदीन से मेरी जहाँ शुरुआत हुई थी, 1980 से मेरी यहाँ शुरुआत हुई। पहली बार ऑल इंडिया किसान सभा का मुझे ब्लॉक पौनी का कन्वीनर बनाया गया और यहाँ से मेरी शुरुआत थी। और उस वक्त का दौर आज के दौर में जमीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त जब हमने जब काम चालू किया था, हम देखते थे कि किसान अपनी ज़मीन चलाता था मगर किसान को पता नहीं था कि ज़मीन ये मेरे नाम पर है या नहीं है। किसान जमीन चलाता था, गरदौरी किसी और के नाम चलती थी। पहला इशू जो हमारे सामने आया, तो उसके लिए हमने पासबुक की मांग की कि किसान के पास जितने नंबर हैं गरदौरी के, अंतकाल के, उसके पास ज़मीन का रिकॉर्ड होना चाहिए। पहली जो जंग हमने जीती वो पासबुक, किसानों को पासबुक दिलवाई हमने। दूसरी जंगें जो थी हम देखते थे, ये शुरू शुरू की बात में आपने कहा तो शुरू की बात कर रहा हूँ मैं। हम देखते थे कि कभी मौसम बारिश का, कभी सोके का, कभी फसल को सोका लगता था, कभी गाला लगता था। चाहे गाला लगा, मक्की में गाला लगता था और खास गंदम को सोका लगता था। 83 में पहली बार हमने जम्मू तहसील रियासी में आंदोलन करके पहली बार हमने सोके की गंदम दिलवाई लोगों को, सोके की गंदम दिलवाई। कुछ पैसे भी आए, 87 में आए, साईं दास तहसीलदार होता था उस वक्त भी कुछ पैसे आए, सोके गाले के पैसा आना स्टार्ट हो गए। और नई बात आई लोगों के लिए कि ये भाई ये तो गंदम तो आपने बीजी थी, सरकार कौन है पैसे देने वाली। हमने ये दलील दे के मुआवजा लिया कि जब भी कोई आफत आए तो सरकार की ड्यूटी बनती है किसान को पालना। हमने सोका भी दिलवाया और गाला भी दिलवाया। पार्टी CPM ही रही आपकी? हमारी पार्टी CPM रही। उसके बाद आस्ता आस्ता जैसे हमने संघर्ष स्टार्ट किया, एक टाइम ऐसा था कि पौनी ब्लॉक में मेरी ब्लॉक कमेटी थी, तो ब्लॉक कमेटी का पहले जो ब्लॉक प्रेजिडेंट था ईश्वरदास जी खैरलड़ के कैप्टन थे, उनकी मौत हो गई। फिर कृष्ण लाल सख्याल कान्हा के हमारे प्रेजिडेंट थे, हमारी तंजीम में कृष्ण लाल भी था, रड़ोए के दुर्गादास गार्ड बेचारा मर गया, प्रेरणा सूबेदार मर गया, बांबला में बामला जैमल सिंह, वकील चंद, गोदर में महेंद्र सिंह, कस्तूरी लाल वगैरह वगैरह, ये काफ़ी रामकृष्ण के जो आपकी ये टीम रहती थी, ये हमारी टीम रहती थी। मुझे बताएं सर कि आज मैं आ रहा हूँ शुरुआत, मुझे कुछ बोलने दो। तो ये हम एक काल पर 200-300 आदमी इकट्ठे करते थे और एक वक्त ऐसा आया कि जहां पर चोरियां हुई, शायद आपको याद नहीं याद है कि यहां से एक डब्बे में अमरू मिस्त्री था, उसकी बंदूक चले गई, साथ में एक और था अभी भी वो हैं, कोई बंदूक चले गई, सोना चला गया, कुछ चोरी को बांबला चोरी हुई। तो चोरियों के खिलाफ हमने यहां पौनी में प्रोटेस्ट किया,
तो उस वक्त हमारा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर था, एसएसपी सरदार जी थे, वो वहाँ से आगे उधमपुर से वहाँ आए, डाक बंगले हमारी मीटिंग हुई, वो कहने लगे क्या बात है, क्या हो रहा है? मैं जी चोरियाँ हो रही हैं। कैसे चोरियाँ हो रही हैं? मैं जी आपको पता होगा चोरियाँ कैसे हो रही हैं, ये आपको मालूम है चोरियाँ कैसे हो रही हैं, आपकी क्या सुजेशन है? मैं, मेरी सुजेशन ये है कि नाका लगा हुआ है बारादरी, बारादरी का नाका आपका कहाँ था? कि जब वहां से चोर भाग के चोरियां लेके चले गए तो नाका क्या मतलब क्या कर रहे थे? तो कुछ हफ्तों के बाद चोरियां बरामद भी हुई, बंदूक भी आई, सोना भी आया, और जहां पर टाइम टू टाइम जहां हमारा संघर्ष चलता रहा स्टेट लेवल पे और खासकर सूबा जम्मू पे और पौनी में, मेरी शुरुआत जहां से हुई। अब सवाल आपके सामने, मेरा ये सवाल है कि पौनी के लिए आपने पौनी के लिए संघर्ष, पौनी में आ रहा हूँ, पौनी में जी मैं पौनी में आ रहा हूँ, बाद नहीं पौनी में आ रहा हूँ। पौनी की जो बात है देखिए आपके सामने, पौनी में डेवलपमेंट नहीं, एक मिनट, आपके सामने जो इशू बना हुआ है, पहले रोशनी एक्ट का इशू बना, वो रोशनी एक्ट उन्होंने तोड़ा, स्टेट लैंड पर बात आ गई, तो स्टेट लैंड की इन्हें गरदौरी काट दी, गरदौरी काट के इन्होंने हमारी दफा 370 तोड़ी, दफा 370 तोड़ के और ऐसा छौनी में तब्दील किया, जम्मू में भी फोर्स और कश्मीर में भी फोर्स, जैसे हम सारे मिलट बन गए हैं, कोई आवाज बुलंद ना करे। तो जब गरदौरी काटी गई तो जहां पर इन्होंने एक्शन लेना चालू कर दिया, जिसे हम पीला पंजा से के नाम से जानते हैं, पीला पंजा पूरी स्टेट में चलने लगा और हमारे पौनी में भी पीला पंजा चलने लगा, लोगों के फसल में मशीनें चलने लगी, ट्रैक्टर चलने लगे, लोग परेशान थे, लोग बेहाल थे। उस वक्त मैंने काल देके पौनी में हमने ये किया, प्रोटेस्ट आर्गेनाइज किया, और सुबह 7 बजे SHO साहब सुधीन पहुंचते हैं कि आप ऐसा प्रवाह मत करिए, ये मत करिए, प्रोटेस्ट करिए, ये सरकार की पॉलिसी का सवाल है। मैं प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, देखेंगे पौनी आगे, आपने देखा होगा, आप भी बीच में थे, किस किस्म की दहशत। प्रोटेस्ट क्या था कि ये लोगों की जमीन है, लोगों ने जमीन बनाई है, लोगों ने पत्थर उखाड़ के जमीन बनाई थी, अपना बाल बच्चा पाल रहे थे, बच्चों को रोजगार दे रहे थे, तो यहां मशीनें चल रही थी, लोग परेशान थे। तो उस परेशानी में क्या किया एडमिनिस्ट्रेशन ने, पौनी को पुलिस की शक्ल में ऐसा चेंज किया, फोर्स ही फोर्स लगा दी, बांबला से फोर्स, रियासी से फोर्स, क्या प्रोटेस्ट मत करिए, आपके सामने प्रोटेस्ट होगा। और उसके बाद में पीला पंजा भी चला। अब जो बाजार की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, मेरी एक ही अपील है पौनी के वासियों को, पौनी तहसील के लोगों को, यहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसे प्रमोशन के बजाय जो मैं बात सुन डिमोशन किया गया, और आज ये नई बात नहीं है, हम सुनते हैं ड्यूटी की प्रमोशन होती है तो यहां स्टेट की डिमोशन हुई, आप हिसाब लगा लीजिए। ये सारा मसला सरकार की पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ है। क्या प्राइमरी हेल्थ को क्या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर बनाना है, ये सरकार की पॉलिसी का सवाल है। आज ये जो है यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर बनना था, जो लोगों की डिमांड भी है, जहां से पेशेंट आता है तो जहां से रेफर करते हैं सुंदरबनी वाले तो सुंदरबनी वाले जम्मू भेजते हैं, तो बीच में ही मरीज बीच में ही उसकी डेथ हो जाती है। ये शर्म की बड़ी बात है कि कम से कम कई सरकारें आई, कई सरकारें गी, हम पिछली सरकार की बात नहीं करेंगे, 10 साल वो भी रहे, पर मौजूदा जो सरकार है 10 साल से सरकार चल रही है, चाहे गवर्नी राज हो, चाहे इन्होंने PDP के साथ सरकार बनाई थी, वो नुमाइंदे तो हमारे थे ना बीच में, यहां के नुमाइंदे भी थे, क्या उनको मालूम नहीं था कि पौनी में हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, क्या इसकी प्रमोशन करनी है, जहां जहां इसकी डिमोशन करनी है, हुआ क्या इन्होंने स्टेट की डिमोशन की। आप जो बात कर रहे हैं इशू के बारे में, पानी हर जगह, जल हर जगह नल, तो मैं बाजार की बात कर लूंगा, अभी बाजार में कहां पानी मिल रहा है, जो नई पाइप लगी है, पौनी की बात ही नहीं हर जगह की बात है। मुझे अभी अभी जो फोन मैंने अभी रिपोर्टें सारी इंफॉर्मेशन ली, जो पाइप 2 फुट नीचे दबानी थी, इन्होंने क्या किया, 2 इंच दबाई, 2 इंच बनी, ओपन पाइप रखी है, अल्लिया में
त्योट में सदीन में कई एरिया में ओपन पैप रखी है जो कि इन्होंने 2 फुट नीचे दबानी चाहिए थी। वो पैप पैपें टूट रही हैं, पानी की तो बात दूर है। जो पहली पैपें लगी थी वहां कोई पानी नहीं आ रहा है, ना पचैन कोठिया में, ना खैरलैंड में, ना जहां पर भी मैं देख रहा हूं। पानी की किल्लत, गर्मी का मौसम है। क्या होता था, हम कभी कभी जुलूस निकालते थे, पौनी आ जाते थे, पीएचसी मुर्दाबाद कहते थे, तो बाकी शहर के निवासी जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े भी हैं, मेरी उनसे अपील है, पॉलिटिकल पार्टी एक साइड रखिए। मेरी सीपीएम है मुझे मुबारक, किसी की बीजेपी है उसे मुबारक, एनसी वाले को एनसी मुबारक, कांग्रेस वाले को कांग्रेस मुबारक, आप वाले को आप मुबारक। ये पॉलिटिकल पार्टी अलग रखते हुए जो हमारा अपना संविधान है, मैं बताऊं आपको, हम ट्रेजरी फंड पर काम करते हैं। अभी सवाल आ रहा था कि यहां पर चौकी गोदर चौकी चरा या टेंडर बन रहा है, 12,000 मजदूर को सैलरी मिली थी, 12,000, आज 42,000 और 25,000 सैलरी मिल रही है। और मैंने लेबर कोड में केस भी लगाया था और केस के साथ साथ संघर्ष भी करते थे। और जहां पर जो मोनोपोली थी, जिन लोगों की मोनोपोली थी, तो मुझे कभी एसएचओ के थ्रू, कभी डीसी के थ्रू मुझे धमकी आती थी कि आप ऐसे काम छोड़ दीजिए, इनको मालूम नहीं है मेरा अपना एरिया था। कुठुआ कहाँ है, मेगा कंपनी है जो अभी आपके सामने चुनावी बांड का इशू बना हुआ है, मेगा ने काफी बांड दिए हैं। मेगा में 18,000 मिलता था, आज मेगा में 42,000 मिल रहा है। वहां पर लड़ाई लड़ी गई, ये ठंडा पानी सुंदर बनी सी ओड़ मोड़ लड़ाई लड़ी गई, जहां पर पुंछ में द्राबा में वहां बिजली का प्रोजेक्ट बना बन रहा है, वहां पटेल कंपनी है, वहां यहां पर रेलवे का जो काम चल रहा था, यहां पर रेलवे ट्रैक में, यहां पर भी हमने संघर्ष किए। और मैं आ रहा हूं, और हमने वहां कभी पार्टी का मसला नहीं लाया। यही का क्या कारण है, पौड़ी पौड़ी के लोग कठा रहे, मैं आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं। हमने पार्टी का मसला लाया, हमने वहां पर इंसानी मसला लाया, हमारा संविधान है, हमारा आईन है। हम ये कह रहे हैं आप हमें या इकट्ठे होना चाहिए, हमें नाम रखा हुआ आलनी किसान सभा, हम जहां नारे लगाते थे किसान ब्लॉक यूनिटी जिंदाबाद, हम ब्लॉक यूनिटी का जिंदाबाद नारा लगा लेंगे। मगर एक बात है, लोग कहते हैं कि सीपीएम पार्टी जो है वो बाहर की पार्टी है, ओम प्रकाश बासी जो है वो उनके। बिल्कुल बिल्कुल, बात ऐसी है, जो लोगों के मसले उठाए, जो लोगों के साथ हमदर्दी करे, जो लोगों की गड़दौरी की बात करे, जो लूट घुसूट की बात करे, जो ब्लॉक डेवलपमेंट में जो कमीशनें चल रही हैं उनकी बात करे, मनरेगा में और बाकी जो धांधली चल रही है उनकी बात करे, गड़दौरी में अंतकाल में जो रेड लिस्ट बनी है उनकी बात करे, वो बाहर का हो जाता है। क्यों कि ये जो चीज है, ये किसी न किसी का पेट काट रहे हैं। ये हमारी कमिटमेंट है, हमारी हमदर्दी किसान के साथ, हमारी हमदर्दी मजदूर के साथ, हमारी हमदर्दी नौजवान के साथ। पॉलिटिकल पार्टी को हम एक साइड रखें। ये हॉस्पिटल का मसला भी बड़े, मैं एक मिसाल दे दूंगा आपको। यहाँ पौनी आपको मालूम है, हाई सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल नहीं था, किसका, इंग्लिश का, मैथ का नहीं था, तो मुझे लक्चर मुझे बुलाया गया, तो यहाँ जूनिटी बनी सारे थे, सारे पॉलिटिकल लोग थे, हमने बुलाओ जूनिटी जिंदाबाद कहा, और शाम तक प्रिंसिपल आया, मेरे ख्याल में शाम तक लेक्चरर आया, बातचीत हुई। मुझे ये बताएं, आप हर जगह प्रोटेस्ट करते हैं, हर जगह भी जाते हैं, संघर्ष करते हैं किसी भी मांग के लिए, पौनी हॉस्पिटल के लिए कभी आप आगे नहीं आए? देखिए बात ऐसी है कि जब भी हम जहां पौनी में आते हैं, संघर्ष लोगों का सहयोग नहीं मिलता, संघर्ष करते हैं आंदोलन। देखिए उतने पैर बिछाने चाहिए जितनी अपने ऊपर चादर हो। मुझे इस बात का दुख है कि अगर ये जो मैं मसले गिनकर सुनाए, और जीत भी हासिल की, लोग चाहते हैं इसका सारा क्रेडिट ओम प्रकाश को जाएगा। मैं ये कह रहा हूं ये सारे साथी आ जाएं, हम साझा क्रेडिट लेंगे। यहां कोई एमएलए की बात नहीं, कोई मंत्री बनने की बात नहीं, ये बच्चे हमारे हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी बहनें हैं। अगर कोई बीमार हो जाए उसका जहां इलाज होना चाहिए, तो इस संघर्ष में सबको चाहिए, चाहे पानी का मसला हो, अभी मैं एक बात बताई नहीं, बिजली का सवाल है, पिछली रात को 10 बजे बंद होती है तो 12 बजे बिजली का सवाल है।
450 रुपया किराया बिजली का आ रहा है, 500, 700, 800 बिजली का किराया आ रहा है। तो मैंने हर जगह पूछा कि ये मीटर किस लिए टांगा हुआ है, मीटर रीडिंग, कोई मीटर रीडिंग नहीं हो रही है। अंधाधुंध तरीके से लूट कर रहे हैं, बिजली के डिपार्टमेंट लूट कर रहा है, पर चाहे पानी नहीं मिल रहा है, चाहे महकमा माल के में काम नहीं हो रहे हैं, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट में काम नहीं हो रहे हैं, चाहे बाकी और जो चीजें हैं, ये सारी चीज जुड़ती है सरकार के साथ। यहां सरकार नहीं है, यहां ऑफिसरों का क्या कहें, उनकी मनमानी चलती है, उनका राज है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट बैठे हैं। कहते हैं कि जहां पर बिजली तैयार होती है सलाल डैम में, लेकिन बिजली जो है वो बाहर जाती है, और अगर यही बिजली यहां पे आती तो लोगों को पर्याप्त भी सुनी है। अभी जो सरकार सेंटर की सरकार जहां चल रही ना, सेंटर की सरकार चल रही है, तो सेंटर सरकार ने ही ये फैसला लेना है कि स्टेट में बिजली पैदा हो रही है, ये हमारी मांग रही है, ये प्रोजेक्ट हमारा है, ये हमें अधिकार मिला, ये जो प्रोजेक्ट हमें दे रहे सलाल वाला, करार किया हुआ पहले का बात, बिल्कुल ये नहीं, करार की बात अलग रही, उस वक्त करार हुआ ना, ये प्रोजेक्ट हमारा है, पानी हमारा है, बिजली हमारी तैयार हो रही है, ये प्रोजेक्ट स्टेट के हवाले करे, दूरस्थी का प्रोजेक्ट स्टेट के हवाले करे, जैसे फसावला कोर्ट का प्रोजेक्ट अभी स्टेट को दे रहे हैं, जितने प्रोजेक्ट जहां बड़े हैं ये स्टेट के हवाले करे, स्टेट जब हवाले होगा तो बिजली का चार्ज या बाकी स्टेटों में कैसे बिजली जून फ्री हो रही है, पंजाब में जून कैसे फ्री है, यहां पर दिल्ली में कैसे बिजली फ्री मिल रही है, दिल्ली में पानी का बिल कैसे फ्री बिल आ रहा है, जहां पर अरे मकान बनाना हो तो परमिशन, माल मवेशी के लिए बनाना हो तो परमिशन, रसोई बनानी हो तो परमिशन, ये कहां का काला कानून आ गया, कहां हम सोए हैं, कहां के हम नेता हैं, डीसी से बात करेंगे, एसएम से बात करेंगे, सरकार को कहेंगे, सरकार आएगी फिर देखेंगे, सरकार चाहे भाजपा की सरकार है चाहे कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं आ जाएगी, चाहे हमें संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे कल और भी कोई पीएम क्यों नहीं आ जाए, बगैर लड़े रोए बगैर जैसे मां बच्चे को दूध नहीं देती, जैसे हम पहले जहां जंग करते रहे ऐसे ही जंग हम करेंगे, तो हर एक चीज रोड का मसला देखो। एक कमेंट आ रहा है, ये बात ही है जनता की आवाज, एक राजश्री हैं, ये कह रहे हैं कि अगला एमएलए आपको होना चाहिए, आप जो है वो संघर्ष करते हैं, टिकट पे लड़ते हैं सीपीएम पार्टी की तरफ से, अगर लोग जो है वो एकाकर लें, लोग कहें कि ओम प्रकाश बासी जो है वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हो, तो क्या बासी जो है वो पार्टी छोड़ देंगे दूसरी पार्टी? देखिए पहला नंबर ये है कि लोगों की मांग है, इस वक्त लोगों की मांग है कि पौनी ब्लॉक से कोई नेता जो है, पहली बात जो ये है, मैं जहां पर ये सोच के नहीं आया कि मैं एमएलए बनूं मंत्री बनूं, जहां पर जो मैं मजदूर वर्ग के काम गिनकर सुना रहा था, स्टेट में गवर्नी राज था, सेंटर में भाजपा सरकार थी, हमने उनकी बढ़ोतरी करवाई, मैंने इसलिए बढ़ोतरी नहीं करवाई कि मैं कुछ बनूं। रहा सवाल पार्टी का, अगर मैं जहां बोल रहा हूं शेर की तरह, तो पार्टी मेरे साथ पहाड़ की तरह पार्टी खड़ी है, हमारी करोड़ों मेंबरशिप है, हाथ लगा के देखें नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाएगी, क्या ये लोग रोड मैदान में आएंगे अपने मसले के लिए 20 बार सोचते हैं कि हम बाजार में जुलूस निकाले जाने निकलें, तो कहां ये बनाएंगे एमएलए, कहां बनाएंगे मंत्री? हमारी सिर्फ एक ही अपील है, हम इनके लोगों के साथ हैं, पार्टी मुझे पहले भी मैं बात कर रहा था कि ये प्रेशर आते हैं, हालात चेंज हो गए हैं, आपको हालात के मुताबिक चलना चाहिए, जो मैंने पहाड़ा पड़ा है, सीपीएम जो है ये गरीब की बात करती है, अमीर की सीपीएम पार्टी है, कहाँ की पार्टी है ये, बात कहाँ से हुई? ये हिंदुस्तान जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है, पहले सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई थी, अब सीपीएम है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी पार्टी सीपीआईएम पार्टी है, ये पार्टी हिंदुस्तान की पार्टी है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन है, यहाँ पर ऑडिट होता है, यहाँ पर जब हम फॉर्म भरते हैं वो सारी चीजें, अगर ये जो लोग कह रहे हैं चीनी पार्टी जो मैं बात सुन रहा हूं, अरे चीनी आदमी आपको बोल सकता है या पाकिस्तान का आदमी बोल सकता है? हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के लिए लड़ेंगे, हाँ अगर चीन में अच्छा काम हो रहा हम अच्छा कहेंगे, अगर वियतनाम में अच्छा काम हो रहा क्यूबा में हम अच्छा कहेंगे, वो क्यूबा अपनी जगह है, चीन अपनी जगह है और हिंदुस्तान अपनी जगह है, हम जहां पर जहां हमारी सोच है लूट कसूट के खिलाफ, हम चाहते हैं मजदूर क्लास को अधिकार मिले, किसान को अधिकार मिले,
किसान को एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, किसान को अब बात ये आ रही बैंक की, जिसके पास सरकारी ज़मीनें थी अब वो केसीसी लेते थे, अब वो कैसे केसीसी लेंगे जब सरकारी ज़मीन से यही काट दी उन्हें, उसकी गर्दौरी काट दी। हमारी डिमांड है, हम मांग कर रहे हैं, पहला हमें स्टेट हुड दिया जाए। हमें दो ही चीज़ें थी, एक ज़मीन का अधिकार, एक रोज़गार का अधिकार। हमारी ज़मीन हमारे हवाले किया जाए, हमारा रोज़गार हमारे हवाले किया जाए। अब ये कहो, अरे आर्मी ख़त्म करके अग्निवीर ले आए 4 साल की, आज ऑफिसर कर्नल जनरल वो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 16 साल हमें हो जाता है ट्रेनिंग करते, कैसे सिक्योरिटी करनी है देश की, तो 4 साल जो एक साल ट्रेनिंग करके वो कैसे सिक्योरिटी कर पाएगा। तो आप ये सिक्योरिटी साथ खिलवाड़ा है ना जी। आज वो ये बैंक बेच रहे हैं, LIC बेच दी, बिजली बेच दी, पानी बेच रहे हैं, रेल बेच दी, डिफेंस बेच रहे हैं, सबको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। मेन इशू है रोजगार का। हमारे नौजवानों को टेंशन हुई है कि हमें कैसे रोजगार कैसे मिलेगा, रोजगार में बिल्कुल एंट्री नहीं हो रही है। तो आज हम चाहते हैं, 370 की आपने बात की थी, तो वो कहते हैं कि पत्थरबाजी जो है वो बंद हुई है। हर दिन जो है वो न्यूज पे यही आता था कि पत्थरबाजी हो रही है, आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था कश्मीर में, आज जो है वो अमन शांति है, पर्यटक जो है वो वहां पर जा रहे हैं। बिल्कुल कहीं बिल्कुल बिल्कुल हम कहते हैं 370 तोड़ने से ना ही मिलिटेंसी खत्म हुई। सुनिए पुंछ में पिछले दिनों उन्होंने बड़ा कांड किया, आर्मी के हमारे साथी हमारे ही बच्चे हैं, कांड किया। अभी मैं सुन रहा था कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में रात को कुछ मिलिटेंट उन्होंने डेर किए। अच्छी बात है, मिलिटेंसी खत्म करना अच्छी बात है, मगर अगर ये कहें कि मिलिटेंसी खत्म हो गई है, पाकिस्तान का अपना जो समझ है कि उथल पुथल करना हिंदुस्तान में, वो अपना आप संभाले पाकिस्तान, वहां पर हमें अपने तरीके से यहां जीने दे। हमारी फोर्स है, हमारी सिक्योरिटी है, जहां पर कोई जो सेंग लगाएगा उसे हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे हमारी आर्मी मुंह तोड़ जवाब देगी। और रहा सवाल में जो के बात कह रहा था कि 370 का मसला ये जोड़ रहे हैं उनके साथ, ये नहीं, 370 के नाम पर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में वोट बटोरना था पॉलिटिकल तरीके से, मगर 370 नहीं चला, राम मंदिर नहीं चला। जहां राम मंदिर तो बना, नहीं राम मंदिर बन गया, कोर्ट का फैसला था, जो मत कहे ना, ये कोर्ट तो पहले भी था, 550 सालों का मसला हल हुआ, कोई नहीं, हमने कहा कोर्ट में चल रहा मसला, कोर्ट का अदब करते हैं, कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। किसी को पॉलिटिकल पार्टी को, किसी पीएम को इसका ये कैरेक्टर मैंने बनाया नहीं, ये कोर्ट का फैसला था। वो आज राम मंदिर नहीं चल रहा है, आज पूरा सर्वे हो रहे हैं, राम मंदिर नहीं चल रहा है, आज हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा है, आज रोजगार चल रहा है, महंगाई चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, गैस का सिलेंडर देख रहे हैं। और जहां रहा सवाल हमारा, जहां नहीं, गैस सिलेंडर पहले कम लोगों को मिलते थे, जिनके पास पैसे होते थे उनके पास ही होते थे, लोग जो है चूल्हे में लकड़ियां ही जलाते थे, लेकिन आज जो है वो हर घर में सिलेंडर है, उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हे में लकड़ियां जलाते थे। अभी वक्त आ गया है राम जी, बिजली अगर ऐसे ही रही तो लोगों ने वो चील के पेट से वो दीनी निकाल के, हम दीनी कहते हैं, उससे रोशनी करनी पड़ेगी, उससे रोशनी कर पीछे जा रहे हैं। और सिलेंडर जो 1300 या 1200 को जो सिलेंडर जो ऊपर जा रहा है, आज फिर देखो हर जगह घूम के देखो आप, सिलेंडर उन्होंने अंदर रखा है, बाहर अपना चूल्हा जला रहे हैं। रोजगार नहीं, बेरोजगारी है। मनरेगा की स्कीम उन्होंने फंड उसका बहुत ही कम कर दिया। हमारी ये डिमांड थी कि 200 दिन का रोजगार दिया जाए मनरेगा में, ये 100 का भी पूरा रोजगार नहीं दे रहे मनरेगा में। अजय सेठ जी एक कमेंट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 370 सरकार ने तोड़ा था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, देश में 2 संविधान नहीं चलते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे अजय सेठ मंडल प्रधान भाजपा का? कहने दो, हमने ये कहा कोर्ट के फैसलों को मान के चलते हैं, कोर्ट के फैसलों को मान के चलते हैं, जो कोर्ट ने दिया। हमारा ये कहना है स्टेट हुड के बारे में, जहाँ पर जो किसी की सुनवाई नहीं है, अगर पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सरकार हो, पॉलिटिकल सरकार हो, उनका डायरेक्ट रब्ता लोगों के साथ रहता है, और उन्होंने लोगों के पास जाना है और लोगों की बात सुननी है, लोगों के मसले हल होते हैं। मैंने ये कहा एक तो स्टेट हुड दिया जाए,
जमीन का अधिकार मैं मांग रहा हूँ। मैं जमीन अगर 307 लगा 371 में जहाँ पे लगना चाहिए, मैं कह रहा हूँ हमारे हिंदुस्तान में कतर भी, हिमाचल में कतर है, और भी स्टेटों में कतर है। हम ये कह रहे हैं हमारा जमीन का अधिकार, हमारा रोजगार का, मैं जो बात जमीन का अधिकार, रोजगार का अधिकार, और हाँ ये इनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर गुलाम था। कहाँ हम गुलाम थे, हम तो आजाद थे, हम खुशहाल थे। आज जो स्थिति बनी है, आज जमीन हमारा कोई भी आदमी जमीन नहीं खरीद पाएगा। पहले हम आपस में लेन देन करते थे एक दूसरे को, जब बाहर से गाहक आ जाएगा और इन्होंने पैसे देख रहे हैं उसको जमीन देगा, अपने आदमी को सगे संबंधी को जमीन नहीं देगा। तो इसलिए ये जो चला कुल्हाड़ा चला है, ये लोगों को बेरोजगार किया है। हमारा कहना ये है कि हमें जमीन का अधिकार, स्टेट का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ये छोटी थी दफा तो पहले ही खोखली कर दी। मेरे को बताएं कि आप बड़े नेता हैं, आपके साथ जीत शाह जी भी थे, बनाथिया जी भी थे, सदा जी भी थे, तो तमाम नेता थे, तो उसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं की थी कि पौनी में आने वाले समय में जगह कहाँ पे है, अड्डे के लिए जगह कहाँ पे है, हॉस्पिटल को किस तरह से अपग्रेड किया जाए, इस बारे में विचार विमर्श नहीं होता था? देखिए हमें जितना मौका मिलता था बैठते थे सारे नेता, जहाँ से अभी नेता कर रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस एनसी पीडीपी उसी तरह से नेता चलते थे कि यहाँ पहले बाद में बैठते भी थे बातचीत, हम आपस में इकट्ठे होते थे, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एनसी वाले कोई भी हो, हमने काफी जहाँ सांझे प्रोग्राम दिए हैं और सांझे प्रोग्राम दिया करते थे। और एक बात थी मैं बताऊं आपको, उस वक्त उतना लालच नहीं था, लालच कम था, ये सारे लोगों के साथ हमदर्दी के साथ आ जाते थे। आज सारे अपने अपने काम में अंगेज हैं, एक काम चलेगा, जहाँ अपना कारोबार कर लो या लीडरी कर लो। अगर लीडरी करनी है तो मेरी तरह छाता हाथ में पकड़ना पड़ेगा, बैग कंधे में लगाना पड़ेगा, तो चलना पड़ेगा। तो ये भी कुछ साथी, आज मेरी 70 साल एज है, पता नहीं कितने देर जीना हमने, तो नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए, हम इनके साथ हैं। नई पीढ़ी मैं कहीं भी रहा, और एक बात मैं कह दूं आपको, जो नज़रिया हमारे पास है कि वर्किंग क्लास को ऑर्गेनाइज करना, वर्किंग क्लास के लिए संघर्ष करना, हम संघर्ष करते आए हैं। यहाँ से हमारा होम एरिया है, जहाँ से हमारा जन्म हुआ है, कभी कभी मन करता है कि यहाँ से भी करें, शुरुआत मैंने यहाँ से की है। कोल माइन कोटला में कोल माइन खुलवाई, अभी मोगला बंद हो रही है, कोल माइन कोटला कोल माइन चल रही है, 50-60 आदमी को रोजगार अगर दिया पे चल रहा। आप संघर्ष करते, मैं मानता हूँ आपकी बात को, मैं यही बोल रहा हूँ कि इसके बारे में पौनी के लोगों के लिए क्या सोचा था नेताओं ने, क्योंकि नेता तो पौनी के साथियों से, नेताओं से, बाकी सिटीजन सीनियर सिटीजन से, नौजवानों से ये अपील है, वोटों के टाइम अब जहां मर्जी वोट दो, लोगों के इशू के टाइम हमें आपस में बैठ के, मुझे दिन को बुलाओ के, रात को बुलाओ के, मैं हाजिर हूँगा और मैं कोशिश कर लूँगा, हर एक के साथ बैठने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर अभी जो आप कह रहे कमांड आ गए, यहाँ पर अभी ये पुरुषोत्तम शर्मा है, सर को पूछो कि 370 और 35 सरकार ने तोड़कर अच्छा काम किया या नहीं? अच्छा काम नहीं किया इन्होंने, अच्छा काम नहीं किया। ये हमारा कुछ फायदे हुए नुकसान, सुनिए, ये हमारा स्टेट स्टेटस था, मेरी बात सुनिए, उस वक्त ये था कि जब 370 कैसे लगा, कैसे बना 370, तो आपको मालूम है कि हमारे महाराजा हरि सिंह ने 1927 में ही ये इसकी सारा सिस्टम तैयार कर लिया था। जहाँ 35A का सवाल आया, 35A का सवाल आया, जब यहाँ पर देश आज़ाद हुआ, तो जहाँ पर स्टेट की बात आई कि स्टेट का रुख क्या है, उस वक्त भी महाराजा हरि सिंह की दो राय थी, वो चाहता था कि मैं यहाँ राज करूँ। उसकी बातचीत माउंटबेटन से बातचीत चल रही थी, पाकिस्तान से भी बात चल रही थी महाराजा हरि सिंह की। जब पाकिस्तान से पठान आ गए, पठानों ने आज़ाद कश्मीर में कब्जा कर लिया, महाराजा की फौज कुछ मर गई, कुछ भाग गई, तो महाराजी चले गए, बम्बे चले गए। उस वक्त कश्मीर के कश्मीरियों ने कहा पठान खबरदार, उस वक्त फौज नहीं थी, उस वक्त कश्मीर के कश्मीरियों ने पठानों को रोका। उस वक्त आसान था, कोई भी फैसला लेते थे आसान था, मगर इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे,
हम सेकुलर मुल्क के साथ रहेंगे या हिंदू मुस्लिम सुख एक एकता की बात है। उन्होंने देश के साथ हलाक किया, तो हलाक में सेंटर ने मंजूरी दी, हलाक में ये सेंटर ने मंजूरी दी, तो उस टाइम पटेल जी दिल्ली में थे। बड़ी बात हो गई, मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ, वो तो बड़ा लंबा संघर्ष होगा, मुझे ये बताएं, आप हर जगह पे जाते हैं, संघर्ष करते हैं, लोगों की बात रखते हैं, पौनी में आपका जन्म स्थान है, पौनी में आपने संघर्ष हॉस्पिटल के लिए नहीं किया है, ये लोगों का सवाल है कि पौनी के हॉस्पिटल को अपग्रेड कराने के लिए ओम प्रकाश बासी ने संघर्ष नहीं किया, क्या लोगों ने आपको वोट नहीं दिए तभी नहीं आपने किया जहाँ पे संघर्ष? यानी वोटों की बात नहीं है, मैंने एक बात कही कि उतनी चादर उतने पैर बिछाओ जितनी चादर है, अगर लोग कहें हम आपके साथ हैं हम संघर्ष करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मैंने एक बात साफ कही, जगह समा हालात, संघर्ष के जगह समा हालात होते हैं। इस वक्त हमारी सरकार नहीं है, गवर्नर किसी किस्म की बात सुन के राजी नहीं है, सेंटर को कोई लेना देना नहीं है, सब अपने अपने खामोश है। थोड़ा मिनट लगा हुआ, जैसे सरकार बनती है तो जैसे सरकार, कोई भी सरकार बने, चाहे भाजपा की सरकार आए, चाहे कांग्रेस इंडिया अलायंस की सरकार आए, हमें बैठकर फौरी तौर पर रूपरेखा तय करनी चाहिए। और मैं जितने भी इशू हैं, चाहे पानी का, बिजली का, हॉस्पिटल का, जितने भी इशू हैं, हम जहां संघर्ष करेंगे और मैं संघर्ष के साथ साथ रहूंगा। लोगों का क्या रहता है जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, लोग जो है वो वोट कंटेस्ट नहीं करते हैं, कि लोग ये भी नहीं देखते हैं कि ये हमारा नुमाइंदा है, हमारे लिए बात करता है, क्या कारण है लोग आपको क्यों नहीं चाहते? मेरा कोई गिला नहीं, मेरे में कमजोरी होगी, मुझे बोलना नहीं आता होगा, मुझे लड़ना नहीं आता होगा, कमजोरी मेरी हो सकती है, या मेरी मैं इस लायक नहीं बना कि लोगों को अपनी बात समझाऊं, मैं इस लायक नहीं बना। अब कोशिश करूंगा लोगों को बात समझाने की कि गरीब की लड़ाई कौन लड़ता है, जब लोग समझ लेंगे कि गरीब की लड़ाई कौन लड़ता है। यहाँ पर आपके सामने जो मैं काम गिनती करके सुनाए, पौनी का पहला नुमाइंदा होगा जो एमएलए की इलेक्शन कंटेस्ट करता है। सुनिए, मैं मुझे कोई इसमें कोई मतभेद नहीं है, मुझे वोट मिले या नहीं मिले, जिसने दिए उसका भी शुक्रिया, जिसने नहीं दिए उसका शुक्रिया। मैं वोटों के साथ बात नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं इशू के साथ बात जोड़ रहा हूँ। मैं इसमें खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, चाहे मैं एमएलए हूँ चाहे नहीं हूँ, लोगों के मसले उठाता हूँ और लड़ाई लड़ता हूँ, हल भी करवाता हूँ, और जहाँ भी लोगों को चाहिए, जहाँ भी चाहिए। आशा वर्कर का आपने मुद्दा उठाया था, क्या उनकी जो पे है वो बढ़ाई गई है या संघर्ष ही रहा? जो हमारी बातचीत हुई, 1000 रुपया सैलरी, 1500 उनको वर्दी के मिलते थे, उसके हो गए 3500 हो गए, 200 रुपया फोन का आ गया। उन्होंने कहा था कि अप्रैल से लागू करेंगे, अभी कोड कनेक्ट की बात चल रही है, अभी अप्रैल की सैलरी आगे पड़ेगी। अगर ये सरकार ने कोई धोखाधड़ी की तो जैसे हम पहले संघर्ष में थे ऐसे ही बाद में संघर्ष में आके, हमारी तो 26000 की मांग कर रहे हैं, ये तो हम 26000 की डिमांड कर रहे थे, तो ये संघर्ष 50 दिन का संघर्ष हो गया था। हमने बोला जो मिलता है ले लो, सरकार से बातचीत हुई, उसने बोला हम आपका 1000 देते हैं, वर्दी के इतने बढ़ा देते हैं, फोन के दे देते हैं। मैंने बोला ये ले लो, आइंदा के लिए तैयार रहेंगे, अगर सरकार नहीं देगी तो फिर दोबारा लड़ेंगे। अगर कोई एमएलए जीता है तो उसे जो है वो सरकारी बंगला दिया जाता है, आपकी पार्टी की तरफ से आपको जो है वो एक फ्लैट भी जम्मू में दिया गया है, क्या ओम प्रकाश बासी उसी तरह से रहता है जैसे एक एमएलए रहता है? नहीं नहीं नहीं, मुझे फ्लैट नहीं मिला है, मुझे फ्लैट नहीं मिला है, मेरी अलाटमेंट हुई है। मैं जैसे बाकी पॉलिटिकल लोग रहते हैं वहाँ पर वर्कर रहते हैं, मैं एक छोटा कारकुन होने के नाते मैं वहाँ रहता हूँ। मुझे मिलते हैं नोट्स, मिलते हैं मुझे, निकाल देंगे आपको। मैंने कहा मुझे निकालोगे तो बाकी भी निकालो, या बाकी निकलेंगे मैं भी निकल जाऊँगा, मैं क्योंकि मेरे पास कागज़ है, मैं गैर कानूनी तरीके से नहीं बैठा हूँ, लीगल तरीके से बैठा हूँ वहाँ पर। तो मैं कराया जाता हूँ उसका, बिजली का किराया 2000 बिजली का किराया आ रहा है, बिल्डिंग वो अनसेफ बिल्डिंग है, अनसेफ बिल्डिंग खाली कराने जाते हैं वो। अगर बासी साहब जीते नहीं हैं तो बासी साहब के पास पैसा कहाँ से आता है? देखिए पैसा मेरे पास क्या है, मैं अभी आपने मुझे फ़ोन किया तो अभी अगर मेरे साथ चलेंगे आप, मेरी दूसरी वर्दी देखेंगे मैं क्या कर रहा था। मैंने अभी तूड़ी लगानी थी, तो अभी मैंने सुबह तूड़ी लगानी है। मैं मेरी ज़मीन है 100 कनाल, 125 कनाल मेरी ज़मीन है, 125 कनाल, 125 कनाल, 125 कनाल मेरी ज़मीन है, और वो ज़मीन मेरी ननियाली बंड है, ननियाली बंड है, नानी की ज़मीन है, फादर की ज़मीन में ली नहीं, वहाँ मैं खेती करता हूँ, हाथ देख लीजिए, गंदम काटता हूँ, खेती करता हूँ, भैंस रखी है, 2 भैंसें रखी हैं, गाय रखी है, मैंने दूध बेच कर अपनी बच्चियाँ पढ़ाई,
दूध बेचकर, अपनी गन्नों बेचकर मैं अपने आप को चलाता हूँ। रहा सवाल, मैं यहीं जाता हूँ, आपके पास आया हूँ। चाय उन्होंने मुझे साथी बिखी बैठे चाय उन्होंने बुला दी, खाना कभी भूख लगी तो आपसे मांग के ले लेंगे, किराया नहीं होगा तो किराया ले लेंगे। तो मुझे लोग किराया देते हैं, जहाँ जाता हूँ किराया मुझे मिलता है। मजदूर किराया देते हैं, मजदूरों के लिए लड़ते हैं, किसान भी देते हैं, जिनके लिए मैं काम करता हूँ वो मुझे चलाते हैं। मैं चुनावी वांड, इनकी तरह चुनावी वांड जो है, मैं चुनावी वांड ना हमारी CPM ने लिए, ना चुनावी, ना मैंने कभी ऐसा फंड लिया। बड़े बड़ी कंपनी ठेके होते हैं, वो ऑफर करते हैं कि हम आपसे मिलने जाते हैं, धमकियां देते हैं। धमकियां नहीं, मैं डरने वाला हूँ। मैं इफको की कहूँ आपको, इफको जम्मू से लेकर कड़ड़ा इफको कंपनी है, धमकियां भी दी उन्होंने। एक कंपनी शिवालय है, कहा क्या लोकेशन है क्या नहीं है, मुझे कहते हैं। मैंने बोला आ जाना, कभी मिलना हो तो आ जाना, बाजार में आना, नहीं तो कहीं भी आ जाना, मिल लेंगे। मरना तो हमने है, जीना है तो लोगों के लिए, मरना है तो लोगों के लिए, तो जीते रहेंगे तो काम करते रहेंगे। तो आप हर जगह पे जाते हैं, आपने, आपको मन में कभी ये नहीं आया कि पौनी के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं जो लोग जो है वो याद रखें? पौनी में जो है वो डेवलपमेंट में काफी पिछड़ा हुआ है। जितने मेरी बात सुनो, पहले बात सुनो, ग्राउंड खेलने के लिए बच्चों के लिए नहीं है। आजकल आप देखा कि चिट्टा काफी ज्यादा बढ़ चुका है जम्मू में, अगर देखें तो आए दिन खबरें रहती हैं। हमारा जो पौनी ब्लॉक है वहां पर बच्चों को चिट्टे के बारे में भी मालूम भी नहीं है। बच्चे जो है वो बुरी संगत में ना पड़े, खेलकूद की तरफ बढ़े, उसके लिए ग्राउंड होनी चाहिए। ग्राउंड जहां पे नहीं है, मैं खाली पौनी की बात नहीं कर रहा हूं, पौनी 23 पंचायत है, 23 पंचायतों में बड़ा स्टेडियम कोई भी नहीं है जहां पर टूर्नामेंट हो, बच्चे खेलें और आगे बढ़े, चाहे वो नेशनल पे खेलें चाहे वो रणजी खेलें, तो करियर जो है वो उनका बन सकता है। तो वहां पे ग्राउंड यहां पे नहीं है, हॉस्पिटल वहां यहां पे नहीं है, एक अड्डा यहां पे नहीं है, क्योंकि बस बीच बाजार में जो है वो गाड़ियां लगानी पड़ती हैं। अगर कोई मरीज रेफर करना पड़ता है, उसे जम्मू में भेजना पड़ता है, तो गाड़ियां जो है वो बीच बाजार में खड़ी जाती है, मजबूरी हल, कुछ भी हालात जो है वो ठीक नहीं है, या फिर जिस तरह से होनी चाहिए फैसिलिटी उस तरह से नहीं है। तो क्या आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि पौनी को जो है वो उस तरह से सुधारा जाए, बैठ के बात की जाए? बैठते नहीं है, या आपके मन में कभी आया नहीं है? अभी आपने बुलाया, अगर मेरे मन में कुछ होता मैं नहीं आता जी, नहीं आता। आपने बुलाया, मैं हाजिर हो गया। कोई भी बुलाए मुझे, मैं हाजिर होता हूँ। तहसील का मैं मसला हो, पुलिस का मसला, मैं जाता हूँ, साथ जाता हूँ। एक बात, दूसरी बात, सोने की पहचान करता है सुनियारा अपनी बट्टी पे, सोना के खोटे है। फौजी अफसर की पहचान होती है लड़ाई के मैदान में, फौज मरवाता के बजाता है। जहाँ मैंने संघर्ष करके लोगों को दिखाए, संघर्ष करके दिखाए, तो जिसको प्यास लगी है उसने पानी के पास उसने जाना ना। मतलब आपका कहने का मतलब है कि लोगों ने आपके साथ कभी अप्रोच ही नहीं? नहीं नहीं, अप्रोच का सवाल नहीं है। लोग इसमें, लोगों के पास टाइम ही नहीं है ऐसी बातें सोचने का। लोगों के पास टाइम, लोगों पर ये टाइम निकालना पड़ता है, आना पड़ता है, टाइम निकाल के आना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। आपने देखा होगा तो मैं, हम जम्मू प्रोग्राम करते हैं, जम 1,200, 2,000, 3,000 आदमी इकट्ठे करते हैं। हम कहीं मैं जाता हूँ, आदमी इकट्ठे होते हैं, उनको मालूम है हमें कुछ मिलेगा, कुछ हमें मिलेगा। तो जहाँ पर भी कुछ अगर लेना है, हमने लेना है। मैं भी उतना ही, मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, पूरी कोशिश करूँगा, संघर्ष करूँगा, हर एक के साथ मिलाप करूँगा, अपनी राय रखूँगा बीच में, पॉलिटिकल सोच एक साइड रखते हुए, संघर्ष एक साइड, कॉमन इशू पे हमें संघर्ष पे उतरना पड़ेगा, और संघर्ष हम करेंगे। लोग संघर्ष के लिए तैयार हो जाएं। और एक बात मैं और कह दूँ आप, हम प्रोग्राम जहाँ करते हैं, ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, किसके कहने पर लोग आते हैं? जिसका लोगों के साथ अच्छा बर्ताव हो, उसके मुताबिक, उसके कहने के मुताबिक लोग आ जाते हैं, या मजबूरी में लोग आते हैं। हमें लोगों के साथ अच्छा मेल मिलाप रखना चाहिए, खुशी गमी में लोगों के साथ शामिल होना चाहिए, तकलीफ में कभी ज़रूरत पड़े तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लोगों के साथ लेके उनके पास जाना चाहिए, लोग तभी निकलते हैं। तो मैं जितनी मेरी ताकत होगी मैं हर के पास जाऊंगा, और मैं अपील कर लूंगा फिर नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, पौनी के वासियों को, सीनियर सिटीजन को, कि मैं, ये मेरी जन्मभूमि है, मैं जहां से संघर्ष में करता करता ऊपर पहुंचा, और जहां पर भी मैं आपके साथ रहूंगा। शुक्रिया। अब मुझे बताएं कि आप सरपंच की इलेक्शन लड़ते हैं, इस बार जो है वो लेडीज रिजर्व थी, शायद आप पीछे होंगे, इस बार ओम प्रकाश बाशी क्या सरपंच की इलेक्शन भी लड़ेंगे? देखिए बात ऐसी है, मैं 2001 में सरपंच बना था, लोगों ने बनाया, फिर 2011 में फिर बनाया, सीट जरूर थी। एक बात और थी ना, ये बात ये नहीं है, रोज एक दाल सब्जी खा के मन अक जाता है, नई नई सब्जी भी खानी चाहिए,
नई नई सब्जी खानी चाहिए। अगर अच्छी सब्जी होगी लोग वही सब्जी खाएंगे, नहीं अच्छी होगी किसी और को बना लेंगे, मैं मनु नहीं बनू और किसको बना लेंगे। शुक्रिया। इलेक्शन कंडक्ट करेंगे एमएलए सरपंच लोगों, ये जो लोगों का विचार है, मेरा कोई विचार नहीं है, लोगों का विचार है, लोग कहेंगे तो मैं सोच लूंगा। डेवलपमेंट का क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कैसी हुई है आपके पंचायत में? मैं डेवलपमेंट के बारे में लोगों से अब जो बात नहीं, आप भी वहाँ पे रहते हैं। मैं कभी टीका टिप्पणी की नहीं, मैं टीका टिप्पणी की नहीं। अच्छा किया होगा तो लोग अच्छा रिजल्ट देंगे, बुरा किया होगा लोग बुरा। अब ये अच्छा रहेगा, अब लोगों से पूछिए। एमएलए की लड़ेंगे? ये उसका पार्टी का स्टैंड पर, पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे। अगर लोग कहें कि हम आजाद उम्मीदवार जो हैं वो पौनी तहसील से खड़ा कर रहे हैं ओम प्रकाश बाशी को, क्या ओम प्रकाश बाशी हामी भरेगा? अभी मैं कभी भी इलेक्शन के बारे में असेंबली जब इलेक्शन आएगी फिर उस वक्त प्रचार करेंगे। अभी पहले ग्राउंड में जाना चाहिए लोगों को। कोई बात नहीं, मैं चलता रहता हूँ। मैं अभी कोई ना सरपंच की बात कर लूंगा, मैं ना मैं डीडीसी की बात कर लूंगा, ना एमएलए की बात करूंगा, मैं बात कर लूंगा लोगों के इशू की। जैसे सरकार बनेगी हम इस इशू पर बचाएंगे। इशू की बात रही, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कैसे अपग्रेड किया जाएगा? प्राइमरी को हेल्थ एंड वेलनेस बना दिया हॉस्पिटल, इसमें इसके बारे में क्या विचार है? बाकी कुछ बने ना बने, क्योंकि ये सभी लोग जो है इसी पे दरबदर। बात सुनी है, ये सरकार की पॉलिसी का सवाल है, सरकार की पॉलिसी का सवाल है। सरकार को मनाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली के बॉर्डरों में किसान बैठे रहे और 750 किसान शहीद हुआ, हो सकता है कि यहां पर भी शहादत देनी पड़े। और पहला आदमी मैं हूं और मैं साथ रहूंगा। ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश बाशी जी, दिग्गज नेता हैं, आप भी जानते हैं कि सीपीएम पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और 3-4 बार जो है उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट की है। तो ये थे हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए, पौनी के कुछ जो इशू थे उसके बारे में हमने इनके साथ बातचीत की है। और ये नेशनल लेवल के हम कह सकते हैं कि ये लीडर हैं, जम्मू में, श्रीनगर में, कई जगहों पर ये जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। जो नीतियां सरकार के जो लोगों के हक में नहीं होती हैं वहां पे संघर्ष करते हैं। अभी आशा वर्कर का जो मुद्दा था उनके ऊपर भी ये खड़े हुए उतरे थे और तमाम जो रहते हैं मुद्दे वहां पर जो है वो खड़े रहते हैं। तो पौनी के ये दिग्गज नेता हैं, पौनी का संजोग जो है वो किस तरह से इनको रहता है, तमाम बातें जो है वो उनके साथ हमने शेयर की हैं। कल और नेता जो है वो हमारे साथ रहेंगे यहाँ पर, उनसे भी तमाम जानकारी जो है वो लेंगे और इनके जीवन के बारे में भी हमने पूरी जानकारी जो है वो आप तक रखी है। आप इस वीडियो को जो है वो किस तरह से देखते हैं अपनी कमेंट बॉक्स में कीमती राय जो है वो जरूर रखें। कल फिर जुड़िए हमारे साथ 6 बजे कोई और नेता के साथ मिलेंगे कल। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, देखते रहे राष्ट्रीय जय के न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।